लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। मुख्यमंत्री का सपना है कि उत्तर प्रदेश को इंडस्ट्रियों का हब बनाया जाए। उसी सपने को पूरा करने की दिशा में अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने कन्नौज पहुंचकर कलेक्ट्रेट सभागार में कन्नौज के इत्र उद्यमियों के साथ बैठक की। बैठक का मुख्य उद्देश्य इत्र उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात में प्रोत्साहन हेतु बढ़ावा देना था। उसी को ध्यान में रखते हुए जनपद के छोटे बड़े इत्र उद्यमियों के साथ विचारों का आदान प्रदान किया गया। तो वहीं जिले में बन रहे इत्र पार्क को नवंबर माह तक पूर्ण कराने की बात भी कही। इस अवसर पर कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक, जिलाधिकारी सहित कन्नौज के दर्जनों इत्र व्यवसायी मौजूद रहे। आज जो है हम लोगों की पूरी टीम हमारा जो एक जनपद एक उत्पाद का प्रोडक्ट है यहाँ का कन्नौज का अत्र, उसके उद्योग के जो उद्यमी हैं उनसे वार्ता करने और यहाँ पर इस कन्नौज के इत्र को और कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसकी जो निर्यात है, जो इसका एक उत्पादन है, और कैसे बेहतर किया जा सकता है, उसके बारे में एक जो उद्यमियों से हम लोग चर्चा करने आए थे। कन्नौज में इत्र परफ्यूम पार्क एक बन रहा है, उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके उसमें क्या समस्याएं आई हैं उसके बारे में बात करने आए थे। तो आज जो चर्चा हुई है उसके हिसाब से UPCDA ने ये बताया कि वो 15 नवंबर तक पार्क जो है वो कंप्लीट कर देंगे। उद्यमियों से बात हुई क्योंकि वहाँ अलॉटमेंट प्रोसीजर होना है। इसके अलावा एक जनपद एक उत्पाद योजना में कोई कॉमन फैसिलिटीज़ जो उपलब्ध कराई जा सकती हैं, जो तकनीक में उद्यमियों को मदद चाहिए, जो रॉ मटेरियल में कच्चे माल की उपलब्धता में उद्यमियों को मदद चाहिए, उस सब के बारे में काफ़ी आज विस्तार से चर्चा हुई है। और हमारा प्रयास है कि जो निर्यात यहाँ का हो रहा है कन्नौज से इत्र का, उसको कई गुणा बढ़ाया जाए, एक लक्ष्य हमने सबने मिलकर आज रखा है और उस तरफ काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश को $1 trillion इकोनॉमी तक पहुंचाने का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक संकल्प है जिसपे पूरी सरकार काम कर रही है, उसी के क्रम में ये बैठकें हमारी हो रही हैं जिसमें कि निर्यात कैसे बढ़ाया जाए, उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए और किस प्रकार से इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था जो कि अत्र पर निर्भर करती है वो और बेहतर कैसे हो, किसानों को कैसे इसका लाभ मिले, इसके लिए हम लोग बात चर्चा कर रहे हैं। अभी तो फर्स्ट फेज है वो लगभग 50 एकड़ पर है, अब वो सेकेंड फेज और आगे बढ़ेगा। कोशिश करेंगे सबको समायोजित करें और जो भी विश्व स्तरीय सुविधाएँ हैं तकनीक की वो उनको वहाँ पर उपलब्ध करें। निर्यात नीति हमने अभी हम नए लाए हैं जिसमें कि हमने यहाँ उद्यमियों को भी बताया है कि अगर वो किसी विदेश में एग्जीबिशन में प्रदर्शनी में भाग लेना चाहते हैं तो सरकार उनके आने जाने का किराया और उनको उपलब्ध कराएगी और वहाँ अगर फीस देनी पड़ती है पार्टिसिपेशन के लिए वो फीस भी देगी। इसके अलावा सैंपल भेजने हैं उसका भी पूरा खर्चा सरकार उठाती है। इसके अलावा निर्यात में पर टन जो है फ्रेट के लिए भी सरकार का अनुदान दिया जाता है। उन सबको सभी उद्यमियों को बताएं, सब लोग मिलके एक इकोसिस्टम क्रिएट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। सर, कन्नौज के इत्र उद्योग में एक भारत देश की अलग नजर आती है क्योंकि चारों तरफ से पूरे हिंदुस्तान से जड़ी बूटी आती है, फूल आती है, तो कुछ ऐसा कन्नौज के किसानों के लिए भी यहाँ पर धरातल पे हो जाए, यहाँ पर बाहर ना जाना पड़े व्यापारियों। CMAP एक संस्था है जिसको हम लोग अब इन्वॉल्व कर रहे हैं और वो यहाँ आके रिसर्च करेंगे। हमने FFDC से भी कहा है कि जो उत्पाद बाहर से आ रहे हैं वो अगर हवा दिया जाए, इसको लेकर हमारे उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने सबसे पहले इस इत्र उद्योग को डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में लिया है और उसके साथ ही साथ अब इसको किस प्रकार से इसकी मार्केटिंग हो, आज जो कि लगभग इसकी जो बर्थ है वो लगभग 250 करोड़ रुपए है, इसको बढ़ाकर 2500 करोड़ पैसे हो, उसको लेकर आज नवनीत सहगल जी जो प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी आए थे उन्हीं के साथ इस विषय पर चर्चा हुई है।